बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। YouTube की वीडियो में आज हम टेक्स्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन टेक्स्ट किस तरह बना सकते हैं। पिछली वीडियो में क्लास 4 की जो वीडियो थी उसमें हमने CJ कूपन्स यानी कि अपनी शीट को मुकम्मल किया, कूपन टाइटल्स, कूपन डिस्क्रिप्शन और दीगर जो चीज़ें हैं, एक्सपायरी डेट जो हमने डाउनलोड की थी CJ से, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। चौथी वीडियो में ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये जो शीट है ये फॉर्मूला शीट कहलाती है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में लिंक भी इसका दिया है। जब आप CJ से कूपन डाउनलोड करेंगे और फिर आपने उस कूपन को किस तरह बनाना है अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसके टाइटल कैसे बनाने हैं, उसकी URL वगैरह किस तरह सेट करने हैं। वैसे तो URL दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ ऑफर्स ऐसी होती हैं जो वेबसाइट पर मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें CJ से मिल जाती हैं, और कुछ ऑफर्स ऐसी होती हैं जो उस कंपनी के यानी कि उस एडवर्टाइजर्स के लैंडिंग पेज पर होती हैं। सारी ऑफर्स कूपन के ज़रिए नहीं मिलती, कुछ हमें ख़ुद भी उस एडवर्टाइज पे जाकर वहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये कोशिश करेंगे और ये मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ इस हवाले से कि हम वो टैग्स किस तरह से बनाएं ताकि हमारी जो साइट है वो ऊपर आ सके और जो लोग सर्च करें उस प्रोडक्ट के हवाले से तो वो प्रोडक्ट उनके सामने हो, हमारी वेबसाइट उनके सामने हो, हमारी कूपन्स की जो साइट है वो लोगों के सामने हो और वो हमारी वेबसाइट पर क्लिक करके उस एडवर्टाइजर के पास जाकर बाई करें ताकि उसका कमीशन हमें हासिल हो। टैग बनाने का मकसद दरअसल ये होता है, और टैग इसलिए बनाया जाता है कि हम ये देखते हैं कि लोग किस अल्फाज से, किन अल्फाज के ज़रिए, किन वर्ड्स के ज़रिए गूगल सर्च इंजन पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी, हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए यानी कि हमने जो कूपन्स डाउनलोड किए हैं उसका मेन कीवर्ड क्या है। आप ये देखेंगे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो शूज़ के हवाले से, जैसे एडवर्टाइजर बॉर्न शूज़ है तो बॉर्न शूज़ का मकसद है कि बॉर्न तो कंपनी का शूज़ जो है वो इसका मेन कीवर्ड है। अच्छा, हमें ये देखना भी होगा कि ये जो एडवर्टाइजर्स है इसकी प्रोडक्ट किस दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़रीदी जाती है। तो जब आप CJ पे उस एडवर्टाइजर्स को जाके सर्च करेंगे, CJ पर आप एडवर्टाइज पर आ जाएं, यहाँ पे इस लिस्ट पर आएंगे आप एडवर्टाइज की, जब आप लिस्ट खोल लें तो यहाँ पर माई एडवर्टाइजर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको सर्च में डालना है। आप यहाँ पर उस कंपनी का नेम लिख दें, उस एडवर्टाइज का नेम लिख दें कि बॉर्न शूज़ पे मैं आज काम कर रहा हूँ, तो बॉर्न शूज़ के टैक्स पहले मैं देखूँ कि भाई किस कंपनी में ज़्यादा ख़रीदे जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट। ये देखें उसकी जो प्रोडक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट में 99.63% प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदी जा रही है, यानी कि तकरीबन 100% के करीब उसकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा USA में ख़रीदी जा रही है। उसके बाद बाकी ममालिक में पाकिस्तान भी है, 0.13 है, मेक्सिको है, अफ़गानिस्तान है, बोस्निया है, लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार हैं वो USA में हैं। तो हमें USA में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें उसको देखना है कि वहाँ कौन से कीवर्ड लोग शूज़ के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल कीवर्ड प्लानर खोलना पड़ेगा। गूगल पर जाकर आप लिखें गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर पर आप क्लिक करें। गूगल कीवर्ड प्लानर दरअसल गूगल एड्स का प्रोग्राम है, लेकिन हम यहाँ से वो कीवर्ड हासिल कर लेते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड पे लोग कितने ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। उस सर्च वॉल्यूम को हमें हासिल करना है, देखना है, और फिर उसके साथ मिलकर एक निच कीवर्ड बनाना है। निच कीवर्ड इसलिए बनाना है ताकि आपकी वेबसाइट या हमारी वेबसाइट
वो ऊपर आ सके रैंकिंग में, गूगल के फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ पेज में या फाइव पेज के अंदर आ जाए। टॉप फाइव के जो पेजेस होते हैं गूगल के, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों के आने के, क्योंकि जो लोग सर्च करते हैं वो गूगल के वन से लेकर फाइव तक पेजेस तक ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। फाइव के बाद जो पेजेस होते हैं सिक्स सेवन एट या जितने भी हैं, वो सर्चेज में कम आते हैं, यानी कि लोग इतने ज़्यादा सर्च छठे सातवें आठवें नवें दसवें पेज पर नहीं जाते, बल्कि शुरू के पाँच पेजेस में ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो कीवर्ड है वो भी टॉप पर जाए और हमारी जो एडवर्टाइजर्स है वो भी हमारी साइट के ज़रिए ऊपर आ जाए। तो आइए हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप आकर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे सर्च करें, लिखें, यहाँ पे हमने लिखना है शूज़। इंक्लूड ब्रांड नेम्स विद इन रिजल्ट लिखा हो तो इसको आप ब्रांड नेम हटा देंगे, क्योंकि ब्रांड नेम में मसला ये होता है कि फिर वो बहुत सारे ब्रांड नेम आ जाएंगे। तो हमें ब्रांड नेम कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हम ऑर्डिनरी यानी कि जो आम से कीवर्ड है हमें वो लेने हैं, इसलिए हम इसको ऑफ कर देंगे। मेन कीवर्ड हमारा शूज़ है। अब यहाँ पे देखें कंट्री आ रहा होगा, पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया में हैं तो इंडिया आ रहा होगा, यानी कि जिस मुल्क में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे आपका आपकी कंट्री शो हो रही होगी। लेकिन हमें यूएसए में वो अल्फाज देखने, वो कीवर्ड तलाश कर रहे हैं यूएसए में कौन सी यूज़ होते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट। यहाँ से आप पाकिस्तान को ऑफ कर दें। अब आपके पास सिर्फ यूएसए है, यूएसए में दिखा रहे हैं कि ये सर्चेज आ रही हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद गेट रिजल्ट पे चले जाएंगे। ये बाकी चीज़ें इसी तरह रहेंगी, लैंग्वेज इंग्लिश गूगल रहने दें इसको। ये देखिए लास्ट 12 मंथ यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक में जितने कीवर्ड इस्तेमाल में वो सब की डिटेल यहाँ आ रही है। हम ऐसा कहते हैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, यानी कि हम इसे अप्रैल 2019 के बजाय इसको अक्टूबर कर लेते हैं, यानी कि 6 to 7 मंथ का हम कीवर्ड ले लेते हैं जो करंट में चल रहे हैं इस वक्त। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, ये एक्सेल की शीट में डाउनलोड हो गए, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड स्टेट्स 2020 यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक ये बता रहे हैं। हम इसे यहाँ से इसको थोड़ा सा ये कॉलम आप इसको डिलीट कर दें यहाँ पर, क्योंकि वो डेट वाइज बताते हैं कि वहाँ कब से कब तक उन्होंने डेटा आपको दिया है। अब देखें आपके पास जो आ रहा है कीवर्ड है करेंसी एवरेज मंथ मिनिमम सर्चेज मैक्सिमम सर्चेज, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। अब हम इसको फिल्टराइज करेंगे। कंपटीशन पर आप आ जाएं। कंपटीशन पर आप देखें ऊपर इस एक्सेल की शीट में A to Z लिखा हुआ, A to Z को आप क्लिक करें। यहाँ पर आप इसको फिल्टर करें, फिर दोबारा कंपटीशन पर आकर यहाँ तीन चीज़ें आ रही हैं हाई लो मीडियम। हम सिर्फ लो और मीडियम को रखेंगे, हाई को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हाई पर हाई कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं या इतनी वेबसाइट्स हैं जो अगर आपने उन कीवर्ड को इस्तेमाल किया तो आपकी वेबसाइट बहुत पीछे चली जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाई को छोड़ दें, सिर्फ लो और मीडियम को रहने दें और इसको ओके कर दें। मैक्सिमम सर्चेस, अब इसके बराबर में मैक्सिमम सर्चेस आ रहे हैं, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप ये 100 को भी हटा दें, 1000 को भी हटा दें, बाकी 10,000 1 लाख और 10 लाख इसको रहने दें, आप ओके कर दें। दोबारा आप यहाँ पे आ जाएं A to Z, इसको आप Z to A कर दें। देखिए ये अब आपको बता रहा है कि शूज़ के लिए जो आपने कीवर्ड लिखा है, मेन कीवर्ड जो हमारा शूज़ है उसमें बता रहा है कि मैरी जेंस के नाम से जो कीवर्ड है उस पर 10,000 से लेकर 1 लाख तक सर्चेज आ रहे हैं। एथलेटिक शूज़ उस पर भी 10,000 से 1 लाख तक आ रहे हैं। होल सेल शूज़ इस पर भी 10,000 से 1 लाख तक सर्चेज आ रहे हैं। ब्लू हील्स स्नैकर स्टोर्स, यानी कि ये 4 से 5 कीवर्ड ऐसे हैं जिन पर सर्चेज 10,000 से लेकर 1 लाख तक हैं। हम इसमें थोड़ा सा एक काम और भी कर सकते हैं कि हम इसी जगह पर शूज़ के साथ हम लिख दें वोमेंस वोमेंस शूज़ मेंस शूज़। दोबारा इसको गेट रिजल्ट देखते हैं कीवर्ड प्लानर पर। इसमें हमें ये देखिए आप देखिएगा कि बॉर्डन योर सर्च में यानी कि कुछ हमें सजेशन ये दे रहा होता है, जैसे वोमेंस फुटवेयर ये भी एक कीवर्ड है, स्नीकर्स मेंस फुटवेयर, आप फुटवेयर भी ले सकते हैं,
मेंस फुटवेयर भी ले लें, वोमेन्स साइज शूज़ हैं इसको भी ले लें। यानी कि ये ऐसे ऐसे कीवर्ड हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसको दोबारा आप डाउनलोड कर लें। कीवर्ड हमें तलाश करने पड़ते हैं, इसलिए कि अच्छे कीवर्ड लगाने के लिए आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप बनाने बैठेंगे तो फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं कम टाइम में आपको ये वीडियो दिखा दूँ कि हमें किस तरह से कीवर्ड बनाने हैं, किस तरह से कीवर्ड तलाश करना है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। मज़ीद कीवर्ड सर्च के हिसाब से देख लें, इसको दोबारा इसी तरह फिल्टराइज कर लें। हाई को हटा दें, अननोन अगर हो तो अननोन को भी हटा दीजिएगा, सिर्फ लो और मीडियम। मैक्सिमम सर्चेज इसी तरह से 100 भी हटा दें, 1000 भी हटा दें, बाकी रहने दें। इसको दोबारा से आप Z2A कर दें। देखिए अब आपको और मज़ीद कीवर्ड नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, उसके आप ये देखिए कि कुछ आपको और चीज़ें नज़र आ रही हैं। टॉप ऑफ पेजेस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, आराम से आप देख लें, जिसमें ये 65.88, 245.84। ये गूगल एड्स जो गूगल का प्रोग्राम है, इसमें जो एडवर्टाइजर्स यानी कि जो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं, तो वो कीवर्ड पर पैसे लगाते हैं। वो गूगल को बताते हैं कि हम इस कीवर्ड पर इतने पैसे देंगे। जिन्हें अपनी चीज़ें सेल करवानी होती है, वो ज़्यादातर लोग गूगल को पैसे देते हैं, तो वो कीवर्ड गूगल को सजेक्ट करता है। वो सजेशन के नतीजे में खुद देखते हैं, सर्च करते हैं, अगर उन्हें जो जिस जो कीवर्ड अच्छा लगता है तो उस कीवर्ड पर वो फिर वो पेमेंट देते हैं गूगल को। तो यहाँ पर ये बिड लगी हुई होती है। बिड से मुराद ये है कि किसी कोई 10 रुपये दे रहा है, तो किसी ने उसी कीवर्ड के 20 रुपये दे दिए, किसी ने 30 रुपये दे दिए, ये बिड कहलाती है। तो ये देखें आप, ये सारी बिड्स हैं, लेकिन अभी हमारे इस पर काम नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने लो और मीडियम पे कोई ऐसा कीवर्ड उठाना है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ऊपर ला सकें। अब शूज़ के हवाले से जो मेरे पास सर्चेज आ रही हैं, होलसेल फैशन शूज़ है या वुमेन्स, ये भी जो है 10,000 से 1 लाख तक है। एथलेटिक्स शूज़ हैं, वुमेन्स टू मैन शूज़ साइज, जिससे थोड़ा सा आप इसको और नीचे कर लें। इसी तरह लो के अंदर भी आपको कोई ना कोई कीवर्ड ऐसे नज़र आएगा। लो से मुराद है कि उसकी जो कीमत है वो कम रखी गई होती है, यानी कि बिट कम लगा होता है, इसलिए लो कहलाता है वो। लेकिन सर्चेज आप देखेंगे तो सर्चेज आपको ज़्यादा नज़र आए। जैसे ये देखें कि 1 लाख से 10 लाख तक सर्चेज आ रहे हैं स्नीकर स्टोर, यानी कि जो लोग जिन्हें शूज़ ख़रीदना होता है या स्नीकर ख़रीदने, वो नॉर्मली गूगल पर जाके USA के लोग स्नीकर्स स्टोर्स लिखते हैं और उनके सामने वो वेबसाइट आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये जो 1 लाख का ट्रैफिक है ना, ये आपकी वेबसाइट पर आएगा। जी, ये 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के जो ट्रैफिक है, ये लोग आपकी वेबसाइट पर इसी कीवर्ड पे सर्च करेंगे। जब वो स्नेकर स्टोर लिखेंगे जब, और हमने कीवर्ड बनाएंगे, तो हम उस कीवर्ड में इसको भी शामिल करेंगे। जब शामिल करेंगे तो वो एक नया कीवर्ड बनेगा, नया कीवर्ड बनेगा तो लोग उसको देखेंगे और वेबसाइट पर आएंगे। अब करना ये है कि देखें, बॉन्ड शूज़ पे हम देखते हैं कि भाई वुमेंस के हिसाब से कौन सी किसी एक चीज़ को इंतखाब कर लेते हैं। इसे हम असल में उस कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर से एक कीवर्ड उठाकर एक निच कीवर्ड बनाएंगे। निच कीवर्ड इसलिए होगा ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी सेल हो। अब फर्ज़ करें मैं लेता हूँ ये स्नेकर, स्नेकर है, इसको क्लिक करते हैं वोमेंस में। ये देखिए वोमेंस स्नेकर कैजुअल, ये यहाँ आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं। अब हम इस कीवर्ड को बनाते हैं। अब एक नया टैब खोल लें जिसमें आप लिखें गूगल USA। ये गूगल यूएसए आ गया, आप इसको ओपन कर लें। इस वक्त USA का गूगल आपके पास है। ये हमारी कूपन्स की शीट है, यहाँ सैंडल्स हैं, स्नेकर्स हैं। तो चलें अगर हम इसको सैंडल्स में देख लेते हैं कि सैंडल्स कौन सी हैं, ये सैंडल्स ले लेते हैं स्नेकर्स के बजाय। और सैंडल्स के हवाले से यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है इस वक्त सूट करता है हमें, थोड़ा सा इसको ज़रूर देखिएगा गौर से। जो कीवर्ड अच्छा लग रहा हो उस प्रोडक्ट के साथ हमें उसको उसमें मर्ज करना है। बस करें एक एक रनिंग स्टोर, इसका भी 10,000 का सर्चेस है, 10,000 से 1 लाख तक है। रनिंग स्टोर ये भी है, हील्स के हवाले से भी है। मैं एक ये लेता हूँ रनिंग स्टोर नियर मी, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। और गूगल USA का जो आपने पेज खोला है यहाँ पे आप इसको रख लें। मैं जिस चीज़ के हवाले से बना रहा हूँ वो दरअसल है सैंडल। ये सारी सैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको
क्लिक कर लेते हैं। इस सैंडल का नाम इनलेट लिखा हुआ है। अब हमें जो कीवर्ड मैंने यहाँ से उठाया है रनिंग स्टोर नियर मी कीवर्ड प्लानर से, अब हमें इसको थोड़ा सा सेट करना होगा। अब मैं लिखता हूँ सैंडल, सैंडल्स रनिंग स्टोर नियर मी, ये कीवर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, आप जब यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो ये आपको मज़ीद सजेशन दे रहा होगा, रनिंग शूज़ स्टोर नियर मी, रनिंग वेयर हाउस, रनिंग शूज़, वोमेंस रनिंग शूज़। तो ये एक मुख्तलिफ कीवर्ड वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, कि गूगल सजेस्ट करता है कि अगर आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सेंडल्स में जो हमने इनलेट इसको वर्ड इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इस वर्ड को इसलिए यूज़ करेंगे कि सैंडल्स तो एक कॉमन वर्ड है, लेकिन सैंडल में जो इनलेट है ये दरअसल एक निच कीवर्ड बन जाता है। मैं इसको लिखता हूँ इनलेट, इनलेट सैंडल्स रनिंग स्टोर नियर मी। मैं देखूँगा इस पर कितने यूआरएल पहले से मौजूद हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑल यूआरएल, इसको इसी तरह यूनाइटेड कॉमा लगा के बंद कर देंगे। देखें गूगल हमें ये बता रहा है कि ये एक यूनिक कीवर्ड है, इस पे देखें सिर्फ अबाउट 8 रिज़ल्ट, यानी कि सिर्फ 8 रिज़ल्ट मौजूद हैं, 8 लोगों ने इसे यूज़ किया है, यानी कि इस पे कम है। तो जिस पे कम सर्चेज हैं, जो कीवर्ड जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम अगर इसे इस्तेमाल करेंगे इस कीवर्ड के साथ, जो हमने रनिंग स्टोर नियर मी का जो कीवर्ड है जो अभी आपके सामने मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर से उठाया है, ये जो आप देख रहे हैं रनिंग स्टोर नियर मी, ये कीवर्ड जो मैंने यहाँ से उठाया है इसको मैंने प्लेस किया, उसमें सैंडल्स और इनलेट, इनलेट सैंडल्स की एक किस्म है, और उन्होंने उसमें से एक नाम उसको दिया है, तो मैं उस नाम के साथ सैंडल्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ रनिंग स्टोर नियर मी, तो ये एक कीवर्ड बन रहा है। और देखें कि इसमें सर्चेज 1.16 सेकंड्स, तो ये जो 8 रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, इसका मकसद है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, इसको आप यहाँ जो हमने कूपन टैग का जो कॉलम है कूपन टैग, इसमें आप यहाँ पे नीचे आकर इसको पेस्ट कर लें, इसके साथ ये बॉन शूज का जो कीवर्ड है इसको भी लगा लें, ये इसलिए लगाएंगे अगर कोई लिखता है कि बॉन शूज में उसे सैंडल्स चाहिए तो ये जो कीवर्ड है ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, इस कीवर्ड के जरिए हमारी साइट ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ बॉन शूज इनलेट सैंडल रनिंग स्टोर नियर मी, इसके साथ मैं इसको लिख देता हूँ कि प्रोमो कोड, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रोमोशन लिखा हुआ है, प्रोमो कोड या प्रोमोशन एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ पर हम जब प्रोमो कोड लिखेंगे या प्रोमोशन लिखेंगे तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग मिलकर जो साइट है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि जितने ज़्यादा कीवर्ड उसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे तो वो तीनों कीवर्ड मिलकर के हमारी जो वेबसाइट है वो उसको ऊपर लाने में मदद देगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे प्रोमो कोड, और ये चूँकि अप्रैल है तो हम इसे अप्रैल कर देंगे। अब इसको आप यहाँ पर कॉमा लगा दें। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि अब ये एक और कीवर्ड बनाते हैं, स्नैकर्स देख लेते हैं, जो अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उस एडवर्टाइजर्स की, उनके साथ उन मशहूर कीवर्ड को प्लेस करके और बनाकर अपने टैग्स में लगाने हैं, ताकि हमारी जो साइट है उसकी सेल आने में मदद मिले और उसका हमें फ़ायदा हो। स्नैकर्स का एक कीवर्ड बनाते हैं, किसी भी एक स्नैकर्स को हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। स्नैकर्स के हवाले से हम देखते हैं कि कोई कीवर्ड ऐसा है जो हमें प्लानर से मिल जाए। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे देखें, स्नैकर्स के हवाले से भी कोई ना कोई इसमें, अगर स्नैकर्स के नाम से ना हो तो कोई ऐसा कीवर्ड हो जो हम उसको उसमें फिट कर लें। ये देखें एक स्नैकर स्टोर के नाम से आ रहा है और इस पर सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, लो में है, यानी 1 लाख से लेकर 10 लाख बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यूएसए में
ये कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं स्नैकर खरीदने के लिए, तो ये हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। दोबारा हम इसे यहाँ पर गूगल यूएसए पर स्नैकर स्टोर्स लिखते हैं, इंटर कर दें। अभी जो आपने साइट खोली यहाँ पे देखिए स्नैकर्स में SUR यानी कि इसका नेम जो है, इस स्नैकर का नेम ऐसे उन्होंने SUR रखा है और इसकी प्राइस $100 है। हम इस नेम को यूज़ करेंगे इसमें, किस तरह यूज़ करेंगे, आप यहाँ SUR लिख दें। अब देखिए एक कीवर्ड बन रहा है सर स्नैकर स्टोर्स, इसको इंटर कर लेते हैं। 0.60 सेकेंड्स। अच्छा देखिए आपको कुछ कीवर्ड ये और भी सजेस्ट कर रहा है, बेस्ट ऑनलाइन ऑनलाइन स्नैकर स्टोर, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि जो कीवर्ड आप बनाएंगे उसमें ये कीवर्ड जो आपने प्लानर से उठाया है इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। कुछ भी वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो कीवर्ड जिसे आपने सर्चेज आपने देखी हैं उस वर्ड को आपने हटाना नहीं है बल्कि उसको इस्तेमाल करना है। अब मैं बिल्कुल यहाँ कर देता हूँ कि वोमेंस वोमेंस सर स्नेकर स्टोर, आप यहां पे इसको लिखें ऑल URL। देखिए यहां भी जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 अबाउट 8 रिजल्ट, यानी कि इस पे भी बहुत कम लोगों ने इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया है, तो हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। अगर इसमें कुछ कीवर्ड आपने और अगर ऐड करने हों तो आप कर सकते हैं देख करके, जैसे वुमेन्स सर स्नूकर स्टोर नियर मी भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड हम इसको बनाएंगे, यानी कि कीवर्ड जो पढ़ने में भी समझ में आए कि हाँ ये कीवर्ड बन रहा है, और लॉन्ग टेल होने का फ़ायदा ये होता है कि फिर इसके आने के चांसेस जल्दी होते हैं। जब लोग कीवर्ड लिख रहे होते हैं तो गूगल उन्हें बताते हैं कि भाई ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड भी आपको सामने आएगा। जब वो इस कीवर्ड पे सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट उसमें जल्दी ऊपर आ जाएगी। तो इसमें भी जब हम इस कीवर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं और कोशिश करें थोड़ा सा लॉन्ग ही हो, तो आपने ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसको भी आप कॉपी कर लें यहाँ से और इसको पेस्ट कर लें यहाँ पे अपने टैग जहाँ पे आपने बनाए, Ctrl+V से इसको पेस्ट करके इस कंपनी का नेम आपने उसी तरह यहाँ पे शामिल कर। तो ये दो कीवर्ड अभी हमने बनाए, दो कीवर्ड से कम आपकी ये जो कम से कम 4 से 5 जो कूपन्स हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इन दो कीवर्ड को फिलहाल ऐसे करते हैं कि जहाँ तक हमने इसको प्रोमो कोड या डिस्काउंट कोड रखा है यहीं तक इसको इस्तेमाल करते हैं, दो कीवर्ड को Ctrl+C करके आप Ctrl+V कर दें। अब डिस्काउंट कोड यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे फिर हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक कीवर्ड जो आप बनाएंगे उससे कम आप 3 से 4 कूपन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक कीवर्ड सब पे ना लगाएं। अगर मैं बिलफर्ज इस कीवर्ड को पूरे यहाँ तक एंड तक लगा दूँ तो इसमें कूपन्स भी हैं, तो कूपन्स कोड में कूपन्स कोड के कीवर्ड इस्तेमाल होंगे, प्रोमो कोड में यानी कि प्रमोशन में प्रोमो कोड के कीवर्ड इस्तेमाल होंगे, डिस्काउंट कोड में हम डिस्काउंट कोड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई डिस्काउंट कोड लिखेगा तो डिस्काउंट कोड पे वो हमारी जो वेबसाइट ऊपर आएगी, कोई प्रोमो कोड लिखेगा तो प्रोमो कोड में आएगी, कोई कूपन कोड लिखेगा तो कूपन कोड में आएगी। तो हम एक एडवर्टाइज के लिए आप कम से कम 5 से 6 कीवर्ड अच्छे बना लें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये आपकी हमेशा के लिए हो जाएगा। तो जब एक बार आप बना देंगे फिर दोबारा इस बॉन शूज़ की कुछ यानी कि नई ऑफ़र आती है, आप नई ऑफ़र इसी तरह बना करके उसको अपलोड कर लें और कीवर्ड वही इस्तेमाल करें जो आपने बनाया हुआ, आपको दोबारा उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 कीवर्ड जब आप बनाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, वो कीवर्ड आपके गूगल में रैंक भी कर जाएगा यानी कि वो शामिल हो चुका होगा। जब शामिल हो जाएगा तो कोई भी कभी भी आएगा तो उस कीवर्ड के जरिए डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि एक दो कीवर्ड और बना लेता हूँ, चले हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें ये बेच रही हैं।
अभी तक तो हमने वुमेन्स का देखा, तो मेंस में देख लेते हैं कि कौन से क्या चीज़ें हैं। मेंस में देखें आप, बूट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो मेंस चूँकि ज़्यादातर बूट्स ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, हम यहाँ से बूट्स को ओपन कर लेते हैं। कीवर्ड प्लानर में हम दोबारा जाते हैं और ऐसा करते हैं कि बूट्स के हवाले से देखते हैं कि कौन से कीवर्ड आ रहे हैं, चूँकि हम मेंस का तलाश कर रहे हैं। और जो हमने पहले डाउनलोड की है शीट, कीवर्ड प्लानर पे देख लेते हैं अगर मेंस के हवाले से कोई ऐसा कीवर्ड मौजूद है जो हम इसको इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कीवर्ड प्लानर पे जाके उसी वर्ड्स को लिख कर, यानी कि मेंस शूज़ या फिर हम बूट्स लिख दें, बूट्स भी लिख सकते हैं, शूज़ का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, बूट भी हो सकता है, दुम्बल के दोनों कीवर्ड इस्तेमाल करें, ताकि अगर ये पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई बूट्स लिख रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि बूट्स में कौन सा कीवर्ड है, शूज़ लिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बूट्स भी लिख देता हूँ और मेंस शूज। दोबारा से गेट रिजल्ट में क्लिक कर दें, डाउनलोड कीवर्ड पर आ जाएं। इस वीडियो को के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कीवर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये। बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो हैं या अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो वो सेल करना चाहते हैं, अगर कीवर्ड अच्छा ना लगा हो तो वो बहुत पीछे चली जाती हैं। गूगल को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप उनके लिए नए हैं या पुराने हैं, अगर आप उनके कवानीन के तहत चलते हैं तो वो आपकी वेबसाइट अगर आज भी बनी है तो आज ही उसको ऊपर कर देगा वो। और अगर उसके कीवर्ड के हिसाब से या उसको रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपकी साइट जितनी भी पुरानी हो और उनके रेगुलेशन से हटकर होगी, तो वो आपकी साइट खुद ब खुद पीछे चली जाएगी, क्योंकि गूगल जो है वो कीवर्ड के हिसाब से चलता है, वो कीवर्ड के हिसाब से खुद सर्च करता है, कीवर्ड के हिसाब से वो आपको ऊपर रखेगा। तो ये जो तरीक़ेकार है वो इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कीवर्ड पे सर्चेज ज़्यादा आ रही हैं, उन सर्चेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उन कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे और अपनी वेबसाइट को ऊपर ले आएंगे। तो सिंपल ही तरीका यही है। और अभी मैं इसको दोबारा इसको फिल्टर कर लेते हैं, इसी तरह हाई आप हटा दें, लो और मीडियम रहने दें, मैक्सिमम सर्चेस 100 हटा दें, 1000 भी हटा दें। इसको दोबारा से आप Z2A पे कर दें, अब ये मीडियम आपका ऊपर आ गया और लो लो कीवर्ड जो हैं वो नीचे चले गए। हम इन दो को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मीडियम और लो। अब देखें कि इसमें बता रहे कि मेंस टू वुमेन शूज़ साइज़, ये भी एक कीवर्ड अच्छा है। हम ये देखेंगे बूट्स ये शूज़ के हवाले से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल करके अपने इस प्रोडक्ट को ऊपर ला सकते हैं। देखिए स्प्रिंग बूट्स, ये भी एक कीवर्ड है, बूट कैंप नियर मी, ये भी एक कीवर्ड है। आप दो कीवर्ड को भी, एक बात मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप दो कीवर्ड को मिलाकर एक कीवर्ड भी बना सकते हैं, यानी उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे बिलफर्ज आप देखें कि यहाँ पे एक कीवर्ड है बूट कैंप नियर मी और उसके नीचे लिखा है स्प्रिंग बूट्स, तो अगर मैं इन दो कीवर्ड को मिला के एक नया कीवर्ड बनाऊँ, उसके साथ कोई जो हमने बूट्स में बहुत सारे बूट्स मौजूद हैं यहाँ पे, फर्ज करें ये शूज़ है, मैं इसे क्लिक करता हूँ नाइजल बूट, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे दोबारा गूगल यूएसए पे जाते हैं, मैं लिखता हूँ मेंस बूट, अब ये जो कीवर्ड है अगर मैं ऐसे लेता हूँ बूट कैंप नियर मी, कंट्रोल सी, अब आप देखेंगे एक जुमला बन रहा है, मेंस बूट कैंप नियर मी। एक यहाँ पे हम दो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मेंस बूट ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बूट कैंप नियर मी ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपसे कहा कि दो कीवर्ड को भी मिला के एक बना सकते हैं, स्प्रिंग बूट्स हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्प्रिंग बूट्स, क्योंकि बूट का जो वर्ड है वो पहले ही यहाँ मौजूद है, मैं सिर्फ स्प्रिंग इस्तेमाल करके
बल्कि बूट ये देखें दो दो हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यहाँ से एक को हटा दें आप, और यहाँ पर आप इसको कर दें एस भी लगा सकते हैं, यानी कि एक वर्ड जो हमने वहाँ से उठाया स्प्रिंग बूट्स वो भी इसके अंदर आ रहा है, और बूट कैंप नियर में ये भी आ जा रहा, मेंस बूट ये भी एक वर्ड कवर कर। अब मैं इसे इंटर करके देखता हूँ कि ये गूगल रिजल्ट क्या बता रहा है। 0.67 है। मैं इसको देखता हूँ कि इस पे कितने लोगों ने इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। चूँकि एक दिमागी काम है, इसमें थोड़ी सी दिमाग अपने जहन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसका सोचने का तरीका ये है कि देखें, आप ये सोचें कि कोई बंदा अगर शूज़ ख़रीदने आ रहा है तो वो किस तरह ख़रीदेगा। फर्ज़ करके मैं एक शूज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मैं बूट ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा भाई बूट्स नियर मी, ये कीवर्ड इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे अगर बिलफर्ज़ मुझे चाहिए इस तरह के बूट चाहिए, नाइकल बूट चाहिए, तो मैं इस तरह का कीवर्ड लिख दूंगा। क्योंकि मेन कीवर्ड बूट है हमारा। अब हर सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, किसी को कंपनी नेम याद होता है, किसी को नहीं भी याद होता है। तो होता ये है कि जिसको जिस तरह की बूट चाहिए होती है वो बूट के साथ उस कीवर्ड को इस्तेमाल कर लेता है। फर्ज करें कि ये जो बूट है इसका नाम है नाइकल बूट, अगर उसे नाम याद है तो नाइकल बूट लिख देगा। तो हम बूट के साथ जो ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये, और इसकी वजह कर, इस कीवर्ड की वजह कर हमारी जो वेबसाइट है वो ऊपर आ जाएगी, एक निच कीवर्ड बन जाएगा वो। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ भी सिर्फ बता रहे कि 8 रिजल्ट हैं, यानी कि ये भी एक अच्छा कीवर्ड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस नेगल बूट कैंप नियर मी, बूट कैंप नियर मी, तो ये वो कीवर्ड है जो हमने प्लानर से लिया। मेंस हमने इस्तेमाल किया कि ये मर्दों के हवाले से शूज़ हैं, नेगल जो है इस बूट का एक ख़ास नेम है, तो इस वजह कर हमारा जो कीवर्ड है वो निच बन जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। अच्छा, अगर हम इसको चाहें कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल करना चाहें तो कोशिश करते हैं, स्प्रिंग बूट्स का जो वर्ड है अगर ये कहीं यूज़ हो जाए, या स्प्रिंग ही इस्तेमाल करके देखते हैं। जी, ये भी स्प्रिंग लगाने से इसका फ़ायदा ही होगा कि देखें, अभी भी ये बता रहे कि आप सिर्फ 8 रिजल्ट हैं, यानी कि सिर्फ 8 लोगों ने इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया है, और एक कीवर्ड हमने चूंकि ये लिया बूट कैंप नियर मी, इस पे जो सर्चेज हैं प्लानर पे वो भी तकरीबन 10,000 से 1 लाख हैं। ठीक है, और उससे नीचे जो कीवर्ड स्प्रिंग बूट्स, इस पे भी जो है 10,000 से 1 लाख हैं। तो यही देखेंगे, 10,000 से 1 लाख, तकरीबन 2 लाख अफराद जो है वो इस कीवर्ड की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ स्प्रिंग और बूट कैंप नियर मी के जो वर्ड हम इसमें मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखें ये कीवर्ड बन भी रहा है, यानी कि मैंस नाइगल स्प्रिंग बूट कैंप नियर मी, तो एक कीवर्ड भी अच्छा बन रहा है और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर आ जाएगा। तो लिहाजा हम इस कीवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कूपन टैग वाले कॉलम में से हम इसको पेस्ट करते हैं। इसके साथ आप इसी तरह से बॉन शूज़ जो हैं कंपनी नेम आप अटैच कर दें। यहाँ पर आप कर दें इसको डिस्काउंट कोड।
2020 कर दें या अप्रैल 2020 कर दें, जैसा आप बेहतर समझें। इसको कॉमा लगा दें आप। अब इसके साथ हम देखते हैं कि किड्स के भी हमने यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि इस वेबसाइट में किड्स के शूज़ भी दिखाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये किड्स के हवाले से यहाँ किड्स के शूज़ भी बेच रहे हैं, बच्चे और बच्चियों के। तो हम किड्स के हवाले से जो कीवर्ड हो वो भी यहाँ से हम कीवर्ड प्लानर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसे किड्स शूज़, इंटर कर दें, गेट रिजल्ट। डाउनलोड कर लें। इसको इसी तरह से यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट कर लें, शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे और डिलीट करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको डिलीट करके ऊपर कर लें। अब इसी तरह से जो मैंने आपको पहले बताया कंपटीशन पे, आप इसको फिल्टर कर लें, हाई अननोन, मैक्सिमम सर्चेस 100 भी हटा दें, 1000 भी हटा दें, 10,000। यहाँ पर सिर्फ एक ही कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है मीडियम में, गर्ल्स फ्लैट, यानी कि मीडियम और लो में जो है वो सिर्फ एक कीवर्ड हमें बता रहा है कि जिस पर ट्रैफिक 10,000 से लेकर 1 लाख तक, 1 लाख तक है, गर्ल्स फ्लैट्स के हवाले से, फ्लैट्स। चलें इस कीवर्ड को देख लेते हैं, या अगर नहीं भी समझ में आए तो आप सिंपली गूगल यूएसए पर चले जाएं, किड्स शूज़ आप लिखें, ये भी आपको बताएंगे, मुख्तलिफ सजेशन भी आपको देंगे, किड्स शूज़ गर्ल्स हैं, किड्स शूज़ ऑनलाइन है। चलें किड्स शूज़ ऑनलाइन का कीवर्ड देख लेते हैं, और ये जो हमने प्लानर से जो एक कीवर्ड जो हमें थोड़ा मिला है गर्ल्स फ्लैट्स, इसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इस पे आप देखेंगे जो रिजल्ट है 0.57 सेकेंड्स, किड्स गर्ल्स फ्लैट्स शूज ऑनलाइन। या अगर मैं इसको लेकिन ये कीवर्ड सही नहीं है, देखें कि तकरीबन इस पे 4,43,000 यानी कि 4,43,000 रिजल्ट आ रहे हैं। जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसका मकसद है कि ये कीवर्ड सही नहीं रहेगा। हम इसे इस तरह कर लेते हैं कि गर्ल्स हटा देते हैं, ये कीवर्ड भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे हमें। ये वीडियो ज़रा इस वजह का लंबी हो रही है क्योंकि हमें ये सर्च करने में टाइम लग रहा है, और आप ये एक बार अगर सर्च करना आपको आ गया तो आप चाहे ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, चाहे कूपन्स की वेबसाइट हो, या कोई आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो, ये कीवर्ड रिसर्च आपको हर जगह काम आएगी। मैं सिंपली यूं कर लेता हूं कि किड्स शूज ऑनलाइन पे देख लेते हैं, इस पे भी रिजल्ट हैं, कुछ चेंज करके देख लेते हैं, शायद कोई अच्छा कीवर्ड मिल जाए। चिल्ड्रन शूज़ नियर मी, इस पे देख लेते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी दीगर कीवर्ड्स बनाए, आप इसी तरह से और मज़ीद कीवर्ड बनाकर इसको
यानी कि 5 से 6 कीवर्ड बना लें और आप उसको इसी तरह से पेस्ट करके इसको मुकम्मल कर लें। मैं मज़ीद अगर मैं इसको बनाने बैठूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और ज़ाहिर है जब ज़्यादा टाइम लगे तो भी बोरियत भी हो जाती है। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी बात इसको मुकम्मल कर दूँ फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर आप एक कीवर्ड किड्स के हवाले से बना लें इसी तरह से। फिर देखिए यहाँ पे एक कूपन कोड आपको नज़र आ रही है, ये कूपन कोड है। यहाँ जो कीवर्ड आप बना लेंगे, एक कीवर्ड और बना लें आप किड्स का बना के, उसको फिर आप यहाँ तक यानी कि कूपन कोड से पहले तक यहाँ पे कॉपी कर दें उसको आप, ठीक है। उसके बाद ये बचता है यहाँ पे कीवन, 3 कूपन कोड हैं, तो एक कीवर्ड आप ऐसा बनाएं इसी तरह से निच कीवर्ड बना के, उसमें आप लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है बॉन शूज़ सैंडल्स रनिंग स्टोर नियर मी प्रोमो कोड। तो इसी तरह से जब आप यहाँ एक कीवर्ड बनाएंगे कोई भी अच्छा देख करके गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाल करके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कूपन कोड, उस कीवर्ड के एंड में आप लिखेंगे, यानी इसी तरह से लिखकर एंड पे आप लिखेंगे कूपन कोड अप्रैल 2020, और जब आपका मंथ चेंज हो तो आप इसको चेंज करके मई कर दीजिएगा, फिर जब जून में आ जाए तो जून में कर दीजिएगा। तो इस तरह से फिर ये रनिंग चलती रहेगी। यहाँ पे आपने कूपन कोड लिख देना है, उस तरह कॉपी करके दोबारा एक कीवर्ड बना लें, एक कीवर्ड से इन तीनों को कवर कर लें और कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर लें, इसको फिर आप कंट्रोल सेव कर लीजिएगा, तो ये जो शीट है आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अगली इंशाल्लाह वीडियो में जब ये शीट आपकी मुकम्मल हो जाएगी, मैं भी इसको मुकम्मल कर लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ये दिखाऊँगा कि हम जब इसे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर हम इसे गूगल सर्च कंसोल में जाकर इसको फैच करेंगे, फैच करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और फैच करके फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह से गूगल के सर्च इंजन में टॉप 5 के में आ जाती है। वो इंशाल्लाह ताला वो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो वेबसाइट है, जब हम इस कीवर्ड को लगाएंगे जो हमने सर्च करके अभी ढूंढा है, तलाश किया है और उसको बनाया है, बनाने के बाद जब हम इसे शामिल करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के टॉप रैंकिंग में आ जाएगी, तो इससे अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और ये लॉन्ग लाइफ होगा। तो आज तक के लिए काफ़ी है इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक्स अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न सक्सेस, तो उसे बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मज़ीद वीडियो और आएंगी ताकि आपको वो वीडियो फ़ौरन मिल जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे बात होगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।